कोई भी बंदा आता है प्रूफ करिए ना, लेकर आइए मैंने सबका दिया, प्रूफ साहब का काम है, हमने प्रूफ किया है ना भाई, आप लोग ड्यूटी क्या है, एविडेंस लाइए, हमने प्रूफ करना है, नहीं तो मैं ऐसे ही अज्यूम करता हूं, एक मिनट मैं ऐसे ही अज्यूम करता हूं, आप वो ये नहीं, आप सीधे आपने बोला मुझे आप प्रूफ करें, आप ही आपने बोला मैडम, क्या बोले क्या प्रूफ लाइए, बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, ये तो उल्टा बोल, बिना इन्वेस्टिगेशन के, क्या भाई तू आपसी की रिपोर्ट आती के गिर के मर गया, तो धक्का भी देते उसको ना, धक्के दे के मर सकता बंदा, धक्का देते हुए देखा किसी ने, कैसे प्रूफ करेंगे बैठा के रखे इनको, ये गेस्ट है आपके, इनको किस किस ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बाद लिखेंगे, आप निरीक्षण में दीजिए या आप भी लिख के दीजिए, ऑटोप्सी हमने भी केस का लड़े हुए, हम भी जानते हैं, ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बात करिए, ऑटोप्सी की रिपोर्ट नाश्ते भी हो गिर के मर के धक्के भी देते उसको यार, वो मिला तुम भी घर में मिला बंदा, उठाने की घर से 500 मीटर आगे मिल जाएगा, सुनो ये वीडियोग्राफी कर रहा है कहाँ गया, अभी पुलिस वाले बोल रहे ना मेरी वीडियोग्राफी भी कर ले, स्पॉट पे गए हमने, पहला केस लड़ रहे हम, हमें नहीं पता यार, हमें नहीं पता हमें क्या जो स्पोर्ट होना था आपके साथ, अभी ना हमने कल रात को किसी की बात पे खतरनाक पहुंच गई, हम वहां जा रहे हैं कुछ दिन में हैं, तो अब आपने वहां वहां पे आप वहां क्या मिलेगा आपको, स्पॉट वेरिफिकेशन कीजिए आप, स्पॉट पे कांस्टेबल है कोई आपका, ऐसे ही साहब जा रहे हैं वहां पे, कौन है वहां, आपने तो मेरे को लग रहा पुलिस वाले मान लिए कि भाई इट्स एक्सीडेंट भाई, ये एक्सीडेंट है स्पॉट पर, वहां पे यही है कवर नहीं करना था भैया, एक्सीडेंट है हम मानते हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, हमने बाद में फाइल लिखी, हमें लगता नहीं है कि ये मर रहे हैं, इस चीज के लिए आपके पास उतने का स्पोर्ट नहीं है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट वास्ते गिर के मरा, धक्का क्यों ध्यान क्यों नहीं ले रहे हैं, जब गाड़ी कहां से आई, कहां पहुंचाया, कहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, कितने लोग हैं, जिला मंडी के जंजैहली में क्लर्क पदम सिंह के मर्डर केस में पुलिस ने जांच में कोताही बरती है, अब एसपी मंडी ने डीएसपी करसोग गीतांजलि को जांच से हटा दिया है और अब सुंदरनगर के डीएसपी मामले की जांच करेंगे, वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद एसपी मंडी को भी मौके पर जाना पड़ा था और वे भी हाथ जोड़कर लोगों को समझाती हुई नजर आई थी, दरअसल मामला सामने आने के बाद परिजन जंजैहली थाने के बाद डीएसपी करसोग के सामने चीख चीख कर ये कहते हुए नजर आए कि पदम सिंह की हत्या हुई है और इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन डीएसपी साहिबा उल्टा परिजनों को ये कहती रही कि हत्या हुई है तो प्रूव करके दिखाओ तभी आगामी कार्रवाई की जाएगी, परिजनों और डीएसपी करसोग गीताजलि ठाकुर के बीच हुई इस वार्ता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें डीएसपी साहिबा परिजनों को झाड़ती हुई नजर आ रही है, ये वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, आपको बता दें कि जंजैहली स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत मझाखल गांव के निवासी पदम सिंह का शव सोमवार सुबह घर से कुछ ही दूरी पर गहरी खाई से बरामद हुआ था, परिजन पहले से ही कहते आ रहे हैं कि पदम सिंह की हत्या हुई है लेकिन सोमवार को शव बरामद होने के बाद भी पूरा दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जब मंगलवार को परिजनों ने थाने का घेराव किया तो दबाव में आकर पुलिस को धारा 302 यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज करके दो लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, मंगलवार को जब लोग जंजैहली थाना पहुंचे तो उस वक्त डीएसपी करसोग गीतांजलि वहां पर मौजूद थी, परिजन कह रहे थे कि अगर पदम सिंह खाई में गिरा है तो हो सकता है उसे धक्का दिया गया हो, इस पर डीएसपी साहिबा कहती है कि प्रूव करके दिखाओ, परिजनों ने कहा कि ये तो पुलिस का काम है, आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है, डीएसपी साहिबा ने ये स्पष्ट कहा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आएगी,
तब तक FIR दर्ज नहीं होगी। वहीं इस मामले में SP शालिनी अग्निहोत्री बताती हैं कि इस मामले की जांच से DSP करसोग गीतांजलि को हटा दिया गया है और DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिन दो लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उन्हें अदालत ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है। खैर, अगर ये FIR और गिरफ्तारी पहले होती तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता।